हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वर्टर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लास्ट यूनिट है, ठीक है, एप्लीकेशंस, इसमें हम लोग डीसी एंड एसी मोटर ड्राइव्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ ड्राइव्स, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले के चैप्टर्स में भी, पहले के सब्जेक्ट्स में भी हम लोग ड्राइव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ड्राइव्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसा यूनिट होता है जो किसी दूसरे रोटेटिंग मशीन्स को ऑपरेट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी रोटेटिंग मशीन हो सकता है, रोटेटिंग यूनिट हो सकता है, जिसे जिसका हमें मूवमेंट कराना है, जिसमें हमें मैकेनिकल आउटपुट हमें लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इनपुट साइड में भी हमें मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो उस मैकेनिकल इनपुट को हम लोग ड्राइव्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि किसी एक ऐसा यूनिट जिसको हमें ऑपरेट कराना है, एंड उसके लिए हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं, ड्राइव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइव्स हमारे पास मैकेनिकल ड्राइव्स भी हो सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जहाँ पर हम लोग मोटर को एम्प्लॉय करते हैं, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स भी कहते हैं। जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में दो टाइप का ड्राइव आएगा, जिसमें हम लोग इधर हम डीसी मोटर एम्प्लॉय कर सकते हैं या फिर एसी मोटर एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिक ड्राइव जहाँ पर हम लोग डीसी मोटर यूज़ कर रहे हैं, इट विल बी नोन एज डीसी मोटर ड्राइव्स। एंड जहाँ पर हम एसी मोटर एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है, दूसरे मशीन को या दूसरे यूनिट को ड्राइव कराने के लिए, तो वो हमारा एसी मोटर ड्राइव्स कहलाएगा, ठीक है। तो इन जनरल जो हम डीसी मोटर ड्राइव्स के पार्ट में देखें, तो इन जनरल जो डीसी मोटर्स होते हैं, ठीक है, तो हमने इसका स्टार्टिंग भी पढ़ा है कि इसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 1.5 टाइम्स काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, 150% हो जाता है स्टार्टिंग के टाइम पे। तो उस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम डीसी मोटर्स में स्टार्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो डीसी मोटर स्टार्टर्स है, ये इसको स्टार्ट करने में, मोटर को स्टार्ट करने में एंड एक्सलरेट करने में, ठीक है, एंड एक्सलरेट करके नॉर्मल स्पीड में उसको लाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जैसे ही नॉर्मल स्पीड में आ जाता है, देन स्टार्टर का रोल ख़त्म हो जाता है, एंड जो स्टार्टिंग करंट होता है वो भी अपने रेटेड करंट के लिमिट में फ्लो होता रहता है। तो स्टार्टर्स का यूज़ करके हम लोग नॉर्मल स्पीड में ड्राइव को या मोटर को लेकर आते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो स्टार्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्ट भी करते हैं। दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग करंट था जिसकी वजह से ओवरलोड हो सकता था, वाइंडिंग डैमेज हो सकते थे, इसको ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो अनलाइक मोटर स्टार्टर्स, जो मोटर ड्राइव हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है, जब हम लोग ड्राइव्स यूज़ नहीं किए हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में मोटर्स हम ओवरलोड्स प्रोटेक्शन के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट जब हम मोटर स्टार्टर्स को, जब मोटर्स को जब हम ड्राइव्स के साथ डिज़ाइन करते हैं, एज अ ड्राइव डिज़ाइन करते हैं, तो इन एडिशन टू स्टार्टिंग करंट के प्रोटेक्शन के अलावा भी ये क्या करता है, हमारे पास प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल, टॉर्क कंट्रोल, एक्सलरेशन, डीएक्सलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ रोटर, रोटेशन ऑफ मोटर्स, इसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मोटर ड्राइव जो हो गया, ये हमारे पास स्टार्टिंग करंट से प्रोटेक्ट भी करेगा, स्टार्टर की तरह भी यहाँ पर रोल प्ले करेगा, एंड स्पीड को कंट्रोल करेगा, टॉर्क, एक्सलरेशन, डीएक्सलरेशन, एंड अगर हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर को चेंज करना हो, तो इसको भी हम लोग ड्राइव्स के हेल्प से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोई भी मोटर ड्राइव्स यूनिट है, ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कैपेबल होता है। तो इसको हम लोग हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन यूनिट में इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ पीएलसीज, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, ठीक है, एंड अदर इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, हमने प्रोपोर्शनल, ठीक है, इंटीग्रल, पीआईडी, पीडी, इस तरह का हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोलर्स पढ़ा था, तो उसी का हेल्प करके हम लोग, या पीएलसीज का हेल्प लेकर हम इसको हाई स्पीड कम्युनिकेशन में भी मोटर ड्राइव्स यूनिट को, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम पीएलसीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कंट्रोलर्स यूज़ कर रहे हैं मोटर ड्राइव्स में, तो ये जो पीएलसीज या इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स बने होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाई पावर, रेटेड पावर पे जितने भी मशीन्स है या यूनिट्स है, उनको ड्राइव कराना है, तो हम लोग यहाँ पर रेटेड पावर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एप्लीकेशंस, ठीक है, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से ये जो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मोटर ड्राइव्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का, स्विचिंग डिवाइसेस का यूज़ करके, ठीक है, जिसे हम सॉलिड स्टेट कंट्रोल टेक्निक कहते हैं,
जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स या फिर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हमारे पास डिवाइसेस है उनको इम्प्लॉय करके हम मोटर ड्राइव को कंट्रोल करेंगे, देन इस टेक्निक को हम लोग सॉलिड स्टेट कंट्रोल टेक्निक कहते हैं। तो ये जो हमारे पास सॉलिड स्टेट कंट्रोल टेक्निक है, इसको अगर हम ब्लॉक डायग्राम के टर्म में देखें तो हमारे पास दो सर्किट होता है, जिसमें पहला जो सर्किट होता है ये हमारे पास कंट्रोल सर्किट होता है, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास पावर सर्किट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल सर्किट दैट मींस कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन, जिसे भी हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फीडबैक पाथ है। अगर हमने स्पीड को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे एक टैकोमीटर लगा सकते हैं, एंड इस टैकोमीटर को हम एक, ठीक है, कंपेरेटर में हम एज इनपुट देंगे, जहाँ पर हमारे पास रेफरेंस वैल्यू होगा जिसके अगेंस्ट हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, एंड देन ये जो कंपेरेटर होगा ये फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस सिग्नल को कंपेयर करके कंट्रोलर को एज इनपुट प्रोवाइड करेगा, एंड देन कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, एंड ये देन जो अपना एक्चुएटर जो होगा, जो मेन काम करेगा स्पीड कंट्रोल के लिए, वो पावर सर्किट में जो भी हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट किया है वो यहाँ पर काम करना शुरू करेगा, एंड देन उसके बाद जो भी आउटपुट पैरामीटर्स है, अगर स्पीड है तो ये स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास डीसी मोटर ड्राइव्स होता है, जहाँ पर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज़ करके स्पीड को कंट्रोल करने वाले हैं, तो यहाँ पर दो सेक्शन होगा, पावर सेक्शन एंड कंट्रोल सेक्शन, एंड एक फीडबैक में हम टैकोमीटर स्पीड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इस तरीके से ये एक लूप में एक क्लोज लूप सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पावर सर्किट है, ठीक है, तो पावर सर्किट से जो भी कंट्रोल पावर आएगा ये डीसी मोटर को दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर एंड उस पावर सेक्शन में सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कन्वर्टर, आर्मेचर शंट, डीसी कॉन्टैक्टर, ये सारे डिवाइसेस होंगे जो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डीसी मोटर ड्राइव्स, जो हमारे पास जो हम पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट का यूज़ करके हम डीसी ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम मोटर का जो भी कंट्रोल पैरामीटर्स है, ठीक है, जिसे हमें कंट्रोल करना है, उन सभी को अगर हम कंट्रोल करने में, ठीक है, सक्सेसफुल हो गए, देन उसके बाद उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो मोटर का परफॉर्मेंस है, लाइक उसमें आर्मेचर करंट कितना है, शंट करंट कितना, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम मोटर परफॉर्मेंस में एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एंड एनालिसिस करने के बाद जो भी कंपनसेशन है, ठीक है, जो भी हमारा डिज़ायर्ड लेवल है, उस डिज़ायर्ड लेवल के साथ यहाँ पर कंपेरिजन होगा, एंड जो भी यहाँ पर कंपनसेशंस वेरिएशंस के लिए करना हो तो ये कंट्रोल सर्किट कंपनसेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी डीसी ड्राइव्स है, तो डीसी ड्राइव के लिए हमें क्या करना होगा, डीसी करंट या डीसी पावर एज ए इनपुट हमको देना होगा, तो ये डीसी हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो रेक्टिफायर सेक्शन से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एसी पावर होगा, एंड उस एसी पावर को हम हमने ब्रिज रेक्टिफायर्स पढ़ा है, ठीक है, जहाँ पर हम 6SCRs यूज़ करते हैं या डायोड्स यूज़ करते हैं, तो उस ब्रिज रेक्टिफायर्स का यूज़ करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड उस डीसी का यूज़ हम करेंगे डीसी मोटर्स या फिर जो भी डीसी ड्राइव्स है उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डीसी मोटर का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है दैट इज़ एसी ड्राइव्स, ठीक है। तो एसी ड्राइव्स में हमारे पास एक डिफरेंस होगा जस्ट पावर के केस में, कि जो भी हम ड्राइव्स को एज इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास एसी पावर होगा, ठीक है। तो जब हम एसी ड्राइव्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एसी ड्राइव्स के केस में हमारे पास डीसी ड्राइव्स के कंपैरिजन में कुछ और पैरामीटर्स, कंट्रोल पैरामीटर्स आते हैं, लाइक अगर हम एसी कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो भी हमने डीसी में कंट्रोल किया था उसके अलावा, तो डीसी में हमने स्पीड को कंट्रोल किया था, ठीक है, टॉर्क कंट्रोल करेंगे, एक्सलरेशन, ठीक है, डीएक्सलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरियस पैरामीटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्राइव्स, ठीक है। एसी के केस में एक और पैरामीटर ऐड हो जाएगा, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पर जिस एसी ड्राइव्स में हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक डिवाइस एम्प्लॉय करेंगे जो कि हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना होगा, एंड इस ड्राइव को हम लोग कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव,
ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करना है तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स यूज़ करते हैं, ASD, जो कि अगेन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना होगा, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ठीक है, जिसे हम VSD, एंड इन्वर्टर, ठीक है। तो इन्वर्टर एक पार्ट होगा, इन केस अगर हमारे पास DC पावर अवेलेबल है तो हम AC ड्राइव्स को ऑपरेट कैसे करेंगे, तो इन्वर्टर का यूज़ करके हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन्वर्टर के लिए पढ़ा था कि इन्वर्टर एक्चुअली जो इन्वर्टर का जो पावर सेक्शन होता है, ठीक है, तो वो हम उसमें जो भी इनपुट हमारे पास होगा वो AC टर्म में होगा, ठीक है, एंड उसको हम AC में कन्वर्ट करने के बाद हम ड्राइव्स को एज इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स के हमने AC ड्राइव्स, ठीक है, हम देखेंगे, तो हर एक AC ड्राइव्स में हमारे पास एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें हमें क्या करना है, जो भी कन्वर्जन करना है या जो भी कंट्रोल करना है वो हम, ठीक है, जो भी आउटपुट हमें मिलेगा वो या फिर जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो फिक्स्ड वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी को हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर AC के केस में जब हमें स्पीड कंट्रोल करना हो या टॉर्क कंट्रोल करना हो तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी होगा तो इस केस में हम टॉर्क को, ठीक है, इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, ये हाई टॉर्क हम स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए या मोटर्स को दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए वोल्टेज कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये इन दोनों पैरामीटर को कंट्रोल करना AC ड्राइव्स के केस में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारा टेक्निक्स है AC ड्राइव्स के केस में जहाँ पर हम मोटर्स के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक AC ड्राइव या AC मोटर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडक्शन मोटर ले रहे हैं जो कि फ़ैन में हमने यूज़ किया है, तो इस फ़ैन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस से, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट से। तो यहाँ पर हमारे पास VFD या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या फैन का एप्लीकेशन, ठीक है, इस फिगर में लिया गया है। तो यहाँ पर जो भी हम स्टार्टिंग में अज्यूम करेंगे कि ये जो फ़ैन है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, तो ये कोई भी वर्चुअली किसी स्पीड में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड के बिलो ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड कंट्रोल के लिए हमारे पास, ठीक है, ये जो हम यहाँ हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये हमारे पास इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर के केस में हमारे पास एक स्लिप का केस आता है, ठीक है, इधर हम थ्री फेज़ यूज़ करें, ठीक है, जब हम यहाँ पे थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर को हमने सप्लाई दिया है तो थ्री फेज़ के केस में हमारे पास स्लिप का केस आता है, जो कि बेसिकली हम डिफाइन करते हैं NS-NR, ठीक है, सिंक्रोनाइज स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड, यानी कि या फिर रोटर स्पीड के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इनको हम क्या कहते हैं, स्लिप, ठीक है। जब तक स्लिप अवेलेबल नहीं होगा, स्लिप प्रेजेंट नहीं होगा इंडक्शन मोटर में, तब तक ये मोटर स्टार्ट नहीं हो सकता या रोटेट नहीं हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे कि स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर का जो भी स्पीड कंट्रोल है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, शाफ्ट स्पीड या फिर जो स्लिप है, ठीक है, तो स्लिप को हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉरी, जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जो सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमने रोटर में सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, मोटर में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपका सप्लाई आएगा तो यहाँ पर फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। फील्ड जब जनरेट होगा तो ये थ्री फेज AC, ठीक है, इनपुट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फील्ड जब जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का आएगा, ठीक है, ये अल्टरनेट इस तरीके से वेरी होता रहेगा, एंड अल्टरनेटिंग जो भी फील्ड होता है, ठीक है, तो ये भी इसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेटिंग है, ठीक है, तो इसका जो भी स्पीड होगा तो इसी फील्ड की स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, जिसे हम NS से डिनोट करते हैं। तो इस NS को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, 120 F/P, ठीक है। तो 120 F/P जो है, जिसमें हम F जो लेते हैं वो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है, एंड P जो नंबर ऑफ़ पोल्स, यानी कि मोटर में जो भी नंबर ऑफ़ पोल्स, इधर हम परमानेंट पोल यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी पोल यहाँ पर डेवलप होने वाला है,
ठीक है। तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है, ये सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पोल्स पे है, फ्रीक्वेंसी पे। एंड अगर हमने एक बार मोटर डिज़ाइन कर लिया है, ये नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटी है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करते हैं तो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड हम इस तरीके से वैरी करेंगे। एंड जब सिंक्रोनस स्पीड अब वैरी होगा तो रोटर का स्पीड भी वैरी करेगा, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग स्लिप में भी वेरिएशन आएगा, क्योंकि हमने स्लिप का NS सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड का, ठीक है, हमारे पास रिलेशन है। तो ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल सा टेक्निक है, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो स्पीड है, ठीक है, इस स्पीड को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर हम सपोज 60 हर्ट्ज ले ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर 4 है। तो हमारे पास जो शाफ्ट स्पीड या फिर सिंक्रोनस स्पीड आने वाला है, ये 1750 RPM के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन था क्या? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास NS माइनस NR इज इक्वल टू स्लिप, ठीक है। स्लिप जो है ये सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम रोटर स्पीड या शाफ्ट स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटर स्पीड हमें एक्चुअल में जो वेरिएशन हमें क्या करना है, रोटर के स्पीड को वेरी करना है। तो रोटर स्पीड यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड माइनस स्लिप हो जाएगा, ठीक है। एंड सिंक्रोनस स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 120 f/p। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। एंड पोल्स तो आपका कांस्टेंट है, तो हम फ्रीक्वेंसी को अगर वैरी करते हैं तो आपका सिंक्रोनस स्पीड वैरी करेगा। एंड सिंक्रोनस स्पीड जब वैरी करेगा तो उसके करिस्पॉन्डिंग आपका रोटर का स्पीड भी वैरी करेगा, यानी कि एक्चुअल जो मोटर का स्पीड होने वाला है वो वैरी कर जाएगा, ठीक है। एंड माइनस स्लिप कर देंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। तो 60 हर्ज हमने फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर लिया, नंबर ऑफ पोल्स 4 है, एंड सपोज स्लिप हम यहाँ पर ले लेते हैं 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके रिलेटेड हमारे पास रोटर का स्पीड जो आएगा ना, तो ये हमारे पास 1750 RPM के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर हमने रोटर के स्पीड को, यानी कि एक्चुअल जो स्पीड जिस पे रन कर रहा है मोटर, वो कंट्रोल करना है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम वैरी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को वैरी करने के लिए हमारे पास VFD है, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, जिसका यूज़ हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमें रोटर के स्पीड को वैरी करना हो, तो फ्रीक्वेंसी वैरी होगा तो सिंक्रोनस स्पीड वैरी होगा, एंड सिंक्रोनस स्पीड वैरी होगा तो हम एक्चुअल रोटर के स्पीड में या मोटर के स्पीड को वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का केस आएगा इन टर्म्स ऑफ AC ड्राइव्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द AC ड्राइव्स एंड DC ड्राइव्स, ठीक है, कंट्रोल बाय यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।